ऐसा चलेगा मेरे साथ। ओहो राहुल, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ राहुल। इतना सब कुछ पहन के और लेट हो गया, बस जल्दी से पहुँच जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम राफर्स यूट्यूब चैनल एंड वेलकम न्यू व्लॉग। सो आज है हमारा मेन इवेंट मेहंदी, ठीक है, और मैं भी अयोध्या यूनिवर्सिटी, मैंने अपनी क्लास ली है। अभी 10:30 होने में मेरे बाबा लेने आ गए हैं। अब घर जाऊँगी, घर जाके सब सामान पकड़ूंगी और फिर हम पार्लर जाएंगे। आज मैं और फातिमा ने साथ जाना, तो बहुत मुश्किल चीज़ें हो रही हैं इस टाइम पे, यूनिवर्सिटी भी आना पड़ रहा है, बहुत टफ है। तो खैर चलो अब घर चलते हैं, बाबा लेने आ गए हैं बाहर। ओके गाइस, फाइनली मैं यूनिवर्सिटी से आ गई हूँ और अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है, अभी हमने निकलना है। हम लोग ऑलरेडी इतना लेट हो गया, 12 बज चुके हैं, ठीक है। इधर मम्मा फुल ज्वेलरी वगैरह डिसाइड कर रही हैं, अभी मैं अपना भी ड्रेस निकालती हूँ। सब अपना देखो, बहुत कंफ्यूजन है। मैंने और फातिमा ने साथ ही निकलना है, मैं ड्रेस पहले देख लूँ। मुझे है कि हर बच्चे को अलग अलग चीज़ें पैक करके, हाँ कुछ फाइनल नहीं हो रहा। किराए पे निकलना है क्या? तुमने भी हमारे साथ ही जाना है ना? ये तो इतनी वालों में रेडनेस क्यों आ रही है इतनी? क्योंकि कलर ज़ाइनब मेरी मोटी मम्मा की बजाय मोटी नानो बन गई है। क्या मैं आप लोग अपना ड्रेस दिखाती हूँ। मेरा ड्रेस कहाँ पे गया? मम्मा मेरा ड्रेस किधर है? लो मम्मा ने पहले मेरा ड्रेस पैक कर दिया। यार आई डोंट नो, इवेंट स्टार्ट होने पर मुझे पिंपल क्यों आ गए हैं, बट ये कंपल्सरी है कि जब इवेंट होता है तो पिंपल आने ही होते हैं यार। ये मम्मा ये किसकी रख रही है? फातिमा के हैं ये सारी। वैसे फातिमा मेरे इयरिंग्स आज सेम है गाइस। फातिमा को देखा सुबह सुबह ऐसे दुपट्टा लेकर उठकर अपने कार्ड्स दिखा रही है। ओके यार, दिस इज माय ड्रेस। कितना ये अभी जब पहनूंगी ना तब आएगा मज़ा। मम्मा मैं ऊपर से चूड़ियाँ लेने जा रही हूँ। मेरी ज्वेलरी में आपको दिखाती हूँ, मैं ज्वेलरी भी अपनी रखी हुई है साथ में। बहुत अच्छी सी लुक करनी है। चूड़ियाँ आप ऊपर है सारी, मेरे ख्याल से ऊपर से मैं चूड़ियाँ लेकर आती हूँ। यार यहाँ पर ये वाली चूड़ियाँ पड़ी हैं, ये वाली रख लेती हूँ, यही चल जाएंगी मेरे ड्रेस के साथ, प्यारी हैं। और गाइस मैंने भी अपना सेट बना लिया। और ज़ैनब तुम क्या लेने आई हो ऊपर? लगन लेने आई हूँ। लगन लेने? ओ यार मैंने भी रखनी है कोई। ये तुमने अपनी चूड़ियाँ रखी हैं कोई? रखो जल्दी करो, कोई हाल है तुम्हारा? ये ड्रॉर खोलो, इधर होंगी चूड़ियाँ, देखो इधर, यहाँ पे नहीं, ये वाला डब्बा खोलो। हाँ इनमें से ये सिंपल नहीं है ज़्यादा मेहंदी के लिहाज से, वेरी कैजुअल। तो एंड में तो एक कंगन रखना चाहिए था जैसे मेरे हैं। से लिया ये सामने पड़े थे, मुझे मिल गए। तुम ये वाले ऐसा करो, तुम ना ये दो इस तरह करके पहन लो, ये दो हैं और ये दो हैं, तो इनको दो दो करके पहन लो इस तरह। एक बाजू में ये दो, हाँ एक बाजू में ये दो पहन लो, इस तरह कर लो, अच्छे लगेंगे। वैसे येलो ड्रेस है ना, हाँ। उसके साथ हाँ दो दो कर लो, वो अच्छे लगेंगे। अब मैंने नीचे जो है ना लहंगे के नीचे मैं जोगर्स पहनूंगी। हील शील पहनने का ना कोई वो नहीं है, हील संभाली नहीं जाती, तो मैं नीचे जोगर्स पहनूंगी और साथ अभी देखते हैं। और यार जूते में यार असल में टेक्निकली जूते किसके हैं मुझे बताओ? टेक्निकली कुछ भी नहीं ज़ैनब, यार मेरे जूते, मैंने हमेशा वो कहता है मैं जॉगर्स पहनने, ये क्यों पहन रही है ये वाले? फिर लहंगों के नीचे नजर नहीं आ रहा, लहंगों के नीचे कंफर्टेबल मुझे यही होता है, सॉफ्ट है, पाँव नहीं दुखते। आप उसकी साइड ले रही है, मैंने देख लिया आपको स्कूल के लिए। अच्छा ज़ैनब अपने स्कूल वाले पहन, तुम्हें मैंने मिस्ट्री बॉक्स में गिफ्ट दिए थे वो वाले, वो हमेशा मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, बड़ी बहन होने का स्कोप नहीं है वैसे। यार ये वाले जूते ये वाले रख लेती हूँ, लहंगे के नीचे बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे। और गाइस मैंने अपनी ज्वेलरी छुपा के रखी थी, वरना एंड टाइम पर ना ज्वेलरी कोई और पहन लेता है। ये फातिमा स्पेशली ये कहते हैं हम पहनेंगे हम पहनेंगे। गाइस मेरी ज्वेलरी बहुत मिनिमल है, मैं ये बिंदिया लगा रही हूँ विद दीज इयररिंग्स और साथ मेरी रिंग है। रिंग मेरी चोरी कर ली, कोई बात नहीं, मैं चोरी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप पहनो मैं पहनो, एक ही बात है। स्पेशल चूड़ियाँ चूड़ियाँ भी इसी में रख देती, चूड़ियाँ हाँ मेरी चूड़ियाँ भी इसी डब्बे में डाल रही। चूड़ियाँ देखो ये तो सिर्फ एक आ रही हैं तो मम्मा ये एक हाथ की नहीं है। ऑरेंज वाले को सेंटर में करके ये एक पेयर बनेगा, इसको सेंटर में करके एक पेयर बनेगा, समझ आई? हाँ ये एक पेयर है। और इधर हिरापी के रूम में देखो उसने कितना गंद मचाया हुआ है। और ये मैं आपको मेन चीज़ दिखा दूँ, ये हम लोगों ने एंट्री के टाइम पे यूज़ करनी है, दुल्हन की फौज। और ये है कब आएगी बारात, ये लिखा हुआ है हमारी मांगे पूरी करो, लिखा हुआ दुल्हे की सालियाँ। गाइस जो हमने डांस रेडी किया ना वो तो आप लोग कहोगे कि वाओ, इस दफ़ा शुक्र है कि अच्छा डांस हो गया, बस भूलूँ ना मैं कुछ। मैं फिर भी पार्लर जाकर और थोड़ी प्रैक्टिस कर लूंगी। यहाँ पे सामान रखने में बहस हो जा रही है। गाइस मेरी बाजू में लेंस रखे हैं, लेंस किधर है? लेंस ये वाले हम लोग कल स्पेशल लेंस लेकर आए थे, ये है लेंस, ये तो एक है ना, तीन थे यार फातिमा। ओके यार तो ये हमने फाइनली लेंस रख लिए हैं, ये लेंस मेरे हैं फातिमा के और ज़ैनब के हैं। अब ये वहाँ जाके फुल मैंने प्यारे वाले लिए ब्राउन कलर के हैं, तो ये थोड़े वो गंदे वाले नहीं अच्छे वाले लिए इस दफ़ा। और गाइस मैंने फुल जैकेट शैकेट पहन ली है, अब निकलते हैं क्योंकि बाहर हाँ जी कक्कर ही पड़ा है बाहर, पता है फुल स्मोक पड़े। मैंने कभी ऐसी जैकेट नहीं पहनी जैसे तुम अभी पहन के थे। बाहर जाके देखो फुल ठंड पड़ी, फुल सर्दियाँ आ चुकी है। अब निकलो जल्दी निकलो, लेट हो गए हैं। मम्मा सारा सामान हमने गाड़ी में ऑलरेडी रखवा दिया, अब हम निकल रहे हैं। और अब जाके मिलते हैं। जी 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 जल्दी गाजर का हलवा खाया जा रहा है। मम्मा मैंने पहले 4 चम्मच खा लिया, पेट फुल हो गया। तो बाय मम्मी, ओके चलो यार हम निकलने लगे हैं, लेट्स गो। ओके गाइस तो फाइनली हम लोग अपने सैलून पर पहुंच गए हैं और ये इधर आते साथ खाना ऑर्डर करने में सीरियसली लग रही है यार। फूड मतलब कहीं आके तहजीब से पेश आते, तुमने आते साथ मेन्यू खोल लिया, शर्म ना आई तुम्हें? है भूख लग रही है, मैं क्या करूं? और फातिमा की माशाल्लाह से बस एडिटिंग चल रही है और एडिटिंग करेगी। अपने हेयर स्टाइल डिसाइड कर लो क्या करना है, वो कह रही है मैं बता देती हूँ। खैर मैं सबसे पहले अपना ड्रेस चेंज करने लगी हूँ। तो ये मेरा ड्रेस पे दिखाया, वाह इतना प्यारा है राबिया का ड्रेस। तो मेरा ना एक्चुअली मैं आपको सीक्रेट बताऊँ, मेरा ये था लहंगा चोली। मैंने लहंगा चोली को आपस में जुड़वा दिया और मैंने इसको विश्वास बना लिया, तो अब ये ज़्यादा अच्छी लुक दे रहा है। क्योंकि मुझे था कि लहंगा चोली थोड़ा सा डांस करते तो अनकम्फर्टेबल, तो इसमें इसको विश्वास बना लिया। तो हम पहले ड्रेस पहनते हैं, हमारा जो है ना मेकअप वगैरह स्टार्ट होगा। सो लेट्स गो। पहन लिया है और अब ये पहने, उन्होंने कहा है मेरा ड्रेस बहुत प्यारा है। उन्होंने भी फिर मेरा नहीं देखा, मेरा ज़्यादा प्यारा है। फातिमा को है कि यहाँ पे डांस प्रैक्टिस कर ले बस, मैं आगे हूँ। ठीक है ठीक है जरा क्या है मूंछों को थोड़ा एक सेकंड, ओए घूम के बड़ा अच्छा, एक सेकंड मूंछों को थोड़ा रंग घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे बूढ़े बना के, ऑल दैट हम सारा खराब कर रहे हैं ना। चलो ऑल द रजनी फैंस द लाइवा डोंट मिस द चांस द लाइवा। और क्या गलत कर रही हूं? नहीं हूं। अच्छा देखा लुंगी डांस, 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 लुंगी डांस। डिस्को में जब ये गाना बजेगा, हां डिस्को में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दे इधर ये मेरी बात पावला उल्टा होता है यार, उल्टा रुका वाइब में। हां स्टेप करके दिखाना पड़ेगा, रुका नहीं होता हां प्लीज कर लो प्लीज। ठीक है चलो स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा दिखाना ऐसे था बस, फिर बोल खाना यार। ये ना यहाँ पर खाना पड़ा हुआ है और ज़ैनब की लगातार नजर इस खाने पे है। मैंने तुम्हें देखी है दूर से, मैं तुम्हें 4 दफा देखा है, तुम इस खाने को देख रही हो बस, है ना? जब कुछ कर रही होती है बार बार इसकी नजर इधर जाती है। इतनी लालची हो ना मेरी जिंदगी में। और यार सबसे पहले हमारे मेरे बाल हो रहे हैं, बाल होने के बाद फिर मेकअप होगा। अपना हेयर स्टाइल बता रही हूँ, बिग फॉल का यू चाहिए इसको कोई, हाँ टीका लगा लो। फातिमा कौन सा फाइनल किया तुमने हेयर स्टाइल? मैंने एक बहुत प्रिटी लुक से ही फाइनल की है, कर लिया इसने। मैंने तो अपनी फेवरेट आलिया भट्ट का चुरा रही हूँ हेयर स्टाइल, बट आलिया भट्ट का मैंने थोड़ी सी इंस्पिरेशन लिया, बट ये थोड़ा मुझे डिफरेंट करेंगे, ब्रेड्स टाइप कुछ बना के। बिंदिया है और साथ छोटे छोटे एयरिंग्स है मेरे, बिंदिया बाद में लगाएंगी ना आप बस। सही है। और ज़ैनब वही बैठ के स्टिल खाने को देख रही है। किधर है ज़ैनब? स्टिल तुम खाने को देख रही हो ना? नहीं देख रही, मैं देख रही है तुम्हें पीछे से। मेरे बालों पर डल रहे हैं लाइट लाइट से वेव और फातिमा का इधर हो रहा है ब्लो ड्राई। और ये फातिमा के बालों पता नहीं कौन सी घास ये है, मेरे पे भी कर देना ये आप, मेरा भी ताकि स्टे रहे, फिर मेरे ऊपर भी कर देना ये, मैंने भी ना बहुत ज्यादा नाचना है। और ऐसे फाइनली हमारा फूड आ गया। फातिमा यहाँ पे तैयार कम हो रही है और खाना ज्यादा खा रही है, अभी से स्टार्ट हो गई है शादी। ज़ैनब अपनी यहाँ पे दोस्तों के साथ चुगलियाँ करने पे लगी है। आगे क्लब सैंडविच पे आ गए, मुझे भी दे। वही क्लब सैंडविच पे ज़ैनब की नज़र थी ना, तो वही वो खा रही है इस टाइम पे। यहाँ मेरे से गलती हो गई, मेरे ड्रेस पे ना मेयो गिर गया और ये मैं छुपाती फिर रही हूँ। फातिमा मेरे ड्रेस पे मेयो गिर गया, साफ कर लिया, निशान पड़ गया, शिट। ज़ैनब इधर बैठ के खाना खा रही है जो इसको हमेशा से चाहिए था और साथ अपनी दोस्त से गॉसिप्स कर रही है। कोई प्लान है क्या? बहन की शादी है, ये तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? अच्छा दोस्तों की टेंशन है, अपनी बहन की कोई टेंशन नहीं है, मुझसे नहीं तुम्हें। और ये हमारा क्लब सैंडविच है और ये हमारा फिश है और ये हमारे फ्राइज हैं और ये मैं हूँ और हम खाना खाते हैं पेश करके, बहुत मज़ा आएगा। फातिमा तुम इधर मेकअप करवाने आई हो या अपने नेल्स लगवाने आई हो? इधर फातिमा के इसके जो अपने नेल्स हैं वो इतने छोटे हैं, ठीक है, तो इसको ज़रूरत पड़ती है एक्चुअली। फातिमा ये सही बता तो मेरी चीटिंग कर रही है कॉपी की, लेकिन पापा तो डिफरेंट लग रहे हैं। फेक नेल्स होते हैं ना वो वाले, मेरे भी फेक ही हैं, दिखा ये अभी लग रहा है अभी, लेकिन लेंथ छोटी रखना। फातिमा के बालों पे भी कुछ अच्छा ही हो रहा है, फातिमा अच्छा लगेगा देखना। मैं सबसे पहले फ्री हो गई हूँ बालों से, तो मैं पहले अपना मेकअप करवाने जा रही हूँ, तो पहले मेरा मेकअप हो जाएगा। शुक्र है। पिजन कबूतर कितने प्यारे लग रहे हैं ये, ओ यहाँ पे इनका कुछ सेट है, यहाँ पे शूट वगैरह भी हम कर सकते हैं। इतनी प्यारी लोकेशन है, मैं दिल कर रहा है मैं अपना शूट ना इधर ही करवा लूँ, शादी पे नहीं जाती, इधर शूट करवा के घर जाती हूँ। बहुत प्यारा लग रहा है। और गाइस तो फाइनली मेरा मेकअप हो गया 1 2 3 और दिस इज़ माई लुक। और मुझे आज का मेकअप अपना बहुत प्रिटी लग रहा है, मेरी आंखें इतनी प्यारी बनी है, बेस बिल्कुल परफेक्ट, और आज मैं सही रियल वाली ब्राइडमेड लग रही हूँ। तो अभी हमारे बाल एक दफ़ा फिर से ठीक होंगे क्योंकि थोड़े से भी ख़राब हो गए हैं, तो बालों को हम थोड़ा ठीक करवाते हैं। फातिमा का भी मेकअप हो रहा है और जैनब के इधर बाल हो रहे हैं, इसके बाल पहले रेड थे अभी वाइट ही लग रहे हैं, सॉरी ब्लैक ही लग रहे हैं। और गाइस तो फाइनली मेरे बाल भी बन चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग अपनी बिंदिया को लगाने लगे हैं ग्लू, और जिससे चिपकेगी यहाँ पर, क्योंकि डांस के टाइम पे बिंदिया बहुत हिलती है तो अच्छा डांस नहीं हो पाएगा, तो हम लोग यहाँ पर बिंदिया पे ग्लू लगा देंगे। और जैनब माशाल्लाह से यहाँ पे क्या चूज़ करिए, ज्वेलरी, अच्छा बिंदिया जो लगानी है। अभी जैनब का मेकअप होना बाकी, फातिमा का हो रहा है, ये देखो। जैनब बताऊँ, यही बना लो, यही बना लो, कहेंगे ज़ैनब फाइनली अच्छी लग रही है, देख लेना। नहीं तो ये हम फोकस करें, ये हमारी बिंदिया पे लग चुकी है ग्लू, अब इसको चिपका दें, जिस पर इस थोड़ा सुखाएंगे, उतरेगी तो नहीं ना ये, ऐसे पता चले मैं जब उतारूँ मेरा माथा भी उतर। सेंटर है, सेंटर में आ गई है ये। गाइस हमारा फाइनली जूस भी आ गया, मैम जूस ले लें, मैम जूस, मैम 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 जूस पीना। ये हमारी लिपस्टिक ना खराब रहता है, इससे ऐसा गया मम्मा देख ले, मैं पी रही हूँ, फिर आप देख लें व्लॉग में पी रही हूँ। और गाइस अब मैं अपना नेल पेंट चेंज करवाती हूँ, इनमें से कौन सा अच्छा लगेगा मेरे साथ। ओहो ओहो सॉरी 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 सॉरी, मैं प्यारी लग रही हूँ ना, इससे काम खराब हो रहा है मुझसे। आप बताओ जिसमें हाथ है मेरे गोरे गोरे लगे, गोरी गोरी गोरी, हाँ ये चलिए लगा दो। और जिसमें मैच भी हो रहे हैं, फिर ये लगा दो, या फिर रेड ना लगा लूँ, रेड दुल्हन की बहन लगूंगी, रेड लगा लूँ। फिर जरा अपना दिखाओ जरा, इसका वाला रेड नहीं, दूसरा वाला कोई रेड दे, इसका ज़्यादा ही महरून है, कोई अच्छा वाला रेड हो। और वन एंड ओनली फातिमा भी रेडी हो गई है, दिखाना चाहते देखना। वाह जी वाह फातिमा, आज तुम पता है बिल्कुल आसमान से उतरी हुई अबला नारी लग रही, अबला नारी बुरे इंसान को, ओह सॉरी अप्सरा नारी लग रही हो। इधर दिखाओ, पर तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लगे हैं मुझे, नहीं तुम्हारा ना तो बालों का जो हेयर स्टाइल बनाया ना बहुत अच्छा। मेरा क्यों नहीं आप लोगों ने ऐसा अपनाया, क्योंकि उसके लिए अकल चाहिए होती है, एंड यू डोंट हैव एनी। मेरे भी बाल लेकिन अच्छा लगे ना, अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे। मैंने ना ये कही थी तुम्हारा लिप शेड मुझे अच्छा लगा जो तुमने टिंटेड किया है। चले जाओ यहाँ से, अपनी आंखें बंद करके दिखाओ मेकअप, बहुत प्यारा लगा। मेरा भी देखे ऐसा, और मैं लिपस्टिक थोड़ा सा सोची थी थोड़ा सा ना यहाँ पे करवा लूँ कि नहीं, मेरी लुक उतार लो, एक काम करो ज़्यादा अच्छा स्टाइल नहीं कोई बताओ, मैं खोटो कुछ करूँ। अच्छा ये मुझे लग थोड़ा सा, और इसके भी ग्लू लगेगी, फातिमा का ब्लू लहंगा है, तो फातिमा बहुत प्यारी लग रही है। जैनब का हम वेट करते हैं, जैनब कैसी लगती है। और मेरा दुपट्टा, हाँ मैं वही तो कह रही हूँ, हमने मेरा अरीब भाई कहते कितना टाइम हो, उनकी कॉल भी आई है, निकलना है वहाँ पे, हमें काम करने है यार, तो खैर फटाफट शूट करते हैं। हाँ अच्छा यार, तो मेरे ना होन थोड़े से ना मुझे लगे लिपस्टिक का शेड ज़्यादा लाइट होगा, मैं थोड़ा सा ना सेंटर में टिंट और साइड पे थोड़ी लिप पेंसिल लगवा के ताकि ना मैं थोड़ी सी और बोलूँ यार यहाँ पे कितना अच्छा लुक आ रही है। ओके गाइस सो हमारा शूट वगैरह हो गया, मैंने इस लोकेशन पे भी अपना शूट करा, बहुत अच्छी पिक्चर्स हैं। फातिमा यहाँ पे हमें अब इस टाइम लेट करते हुए अपना फुल वो वाला शूट करवाते हुए, और फातिमा बहुत लेट करवा रही। फातिमा भी इस टाइम तुम हमारी एंट्रीज हैं वहाँ जाके, हमारे वहाँ जाके कितने काम है, डांसिस हैं, आज बहुत कुछ होने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और उससे ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है मुझे। खैर जैनब के पास चलते हैं, देखो वो क्या कर रही है। मैं तब तक ना लहंगे में जाकर जैनब के साथ जाकर शूट सॉरी डांस की प्रैक्टिस करती हूँ। ओ माय गॉड ऐसा कि मैं एक प्रिंसेस हूँ और मैं यहाँ से उतर रही हूँ। राहुल मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, राहुल। गाइस जैनब भी, जैनब और डांस की प्रैक्टिस करें, जल्दी दिखाओ मेकअप। मुझे दुनिया का बेस्ट मेकअप लगा क्योंकि मेरा कभी किसी ने ऐसा मेकअप नहीं किया। वाह मतलब जैनब को मेकअप पसंद आया। गाइस नीचे स्नीकर्स पहनी क्योंकि हम लोगों ने डांस करें, तो मैं भी अपने नीचे स्नीकर्स लेकर आई थी, हम वो पहनने लगी हूँ, मुझे मेरे जोगर तो मैं वो पहनने लगी हूँ जल्दी। और गाइस फाइनली इतना प्यार तैयार होने के बाद अब हमारे जाने का टाइम होता है। फातिमा फिर से अपने अम्मा वाले एरा में आ चुकी है और हम निकल रहे हैं, अब वहाँ पर एंट्री का टाइम हो गया, मैं निकलना और इस लड़की को अपनी रील्स की पड़ी। जैनब उठो जल्दी उठो, निकला नहीं है, लेट हो रहे हैं यार, उठो। तुमने उससे रील से नहीं, मैंने भी यहाँ पे वैसे मैं भी यहाँ पे एक मिरर सेल्फी अच्छी से लूँगी, एक मिरर सेल्फी यार तुमने अपनी दफ़ा पूरी लिया फातिमा, फटो नहीं लिया एक अच्छी से लो प्लीज। और गाइस मुझे लगता है इन्होंने शादी यहीं पर ही मनाकर जाना है, शादी इनका कोई प्लान नहीं है शादी पे जाने का, यहीं पे ये लोग बस अपने काम काज करने में लगे। निकलो गर्ल्स जल्दी, फाइनली सिंड्रेला भाग रही है क्योंकि वो लेट हो गई है, भागो 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 जल्दी चलो जल्दी, ये तुम्हारी नखरे दिखाने का टाइम नहीं है, जल्दी चलो जल्दी चलो। यार दरवाजा खोलो जैनब, ये वाला जल्दी। मेरे हाथ में इतना सामान है कि मेरा हाथ इवन काम नहीं कर रहा है, बस जल्दी जल्दी भागो लोकेशन पे पहुँचो और फन करो। ये मैं कह रही बलून ले जाते हैं, चलो यार गाड़ी में बैठो जल्दी जल्दी जल्दी। बैठो यार तुम्हें लहंगे बैठना पड़ेगा, लहंगे ही नहीं हमारे पूरे आ रहे गाड़ी में इतने बड़े बड़े। चलो बेटा ऐसे ही करना पड़ेगा, जब खूबसूरत दिखना होता है ना इंसान को, इंसान को चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है। बंद कर दरवाजा। फाइनली लोकेशन पे पहुंच जाए, बस वरना अभी हम बहुत ज़्यादा टेंशन में, एंजाइटी है हमें। ना तो एंट्री हुई है दुल्हन की, हमारे साथ होनी थी, इतना सब कुछ पहन के, और लेट हो गया। बस जल्दी से पहुँच जाए, प्यार लगना जरूरी नहीं होता, टाइम पे पहुँचना भी जरूरी होता है, वरना आपके प्यार लगने की कोई अहमियत नहीं रहती है। तो जल्दी पहुँचो। ओके गाइस, तो फाइनली लोकेशन पे पहुँच गए हैं। तो अब यहाँ पे मैं व्लॉग एंड करती हूँ और वहाँ से फिर न्यू सेकेंड पार्ट हम लोग बनाएंगे और आप लोगों को अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा कि वहाँ पे हमें डांस सब मस्ती क्या करनी है। सो होप सो कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब माय चैनल। सो बाय बाय, ज़ैनब बोलो, अल्लाह हाफ़िज़।